नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि आपको एक बेहतरीन रिटर्न देगा आने वाले समय में। दोस्तों इसके टेक्निकल एनालिसिस और इसके फंडामेंटल एनालिसिस दोनों के बारे में जानेंगे। पूरी तरह से बेहतरीन स्टॉक है और ऐसे बेहतरीन स्टॉक में आपको हर गिरावट में बाय करनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो चलिए अब कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में इस शेयर के बारे में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं टिकर टेप के वेबसाइट पर। ये हमारा जो शेयर है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर का स्टॉक है जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, और करेंट प्राइस देख लीजिए अभी 2465 रुपीज है। आज ये 109 रुपीज अप है, मतलब 5% के आसपास इसमें आज तेजी देखने मिला है। और इसमें जो गिरावट था उस गिरावट में आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था, मतलब हर गिरावट में इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। जब जब गिरावट पे ये मिला, एक दिन में देख लीजिए 4.65% अप है। आज का जो लो था 2362 रुपीज और हाई जो बनाया है 2475 रुपीज का। वन वीक में बात करें तो वन वीक में अभी भी स्टॉक जो है देख सकते हैं कि नीचे चल रहा है काफी, -5.88% का रिटर्न दिया, मतलब इतना निगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब गिरावट आपको देखने मिल रहा है स्टॉक में। वन मंथ में भी आपको निगेटिव रिटर्न 10.11% का, वन ईयर में देखेगा तो 29.85% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन शेयर है। वन ईयर में आप देख सकते हैं 30% का पॉजिटिव रिटर्न, और फाइव ईयर्स में बात करें तो 199% का पॉजिटिव रिटर्न, और मैक्सिमम ईयर बात करें तो इतना ही मिलेगा आपको, क्योंकि ये 2017 में ये स्टॉक लिस्ट ही हुआ था। यहाँ पर देखते 2018 में ये लिस्ट हुआ था जुलाई में, तो मात्र अभी स्टॉक का 2 साल हुआ है, 2 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, और 200% का आपको रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। अगर आईपीओ में अगर आपने इन्वेस्ट किया था तो और काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आप प्राप्त करते इस स्टॉक में। अगर पी रेशियो की बात करें तो देखते हैं पी रेशियो है 45.92 और जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 12.22 और डिविडेंड यील्ड जो है 0.28% का, और जो सेक्टर का पी है देखते हैं सेक्टर का पॉइंट पी जो है 27 का है, जबकि इस स्टॉक का पी काफ़ी हाई है 45.92 का, और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी काफ़ी हाई है सेक्टर से। सेक्टर का पीवी है मात्र 2.43 और इसका है 12.22, तो काफ़ी महंगा स्टॉक है, लेकिन दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, और जो अच्छे स्टॉक है वो आपको हाई प्राइस में ही देखने आपको मिलेंगे। अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि जो रेवेन्यू है लगातार जंप हुआ है, और यहाँ पर प्रॉफिट देख लीजिए वो भी लगातार जंप हुआ है, और जो ये रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है ये 1000 करोड़ में है, मतलब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 20 तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 70 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर था, यहाँ पर जंप होकर 90 करोड़ का प्रॉफिट, यहाँ पर जंप होकर के हो गया 130 करोड़ का प्रॉफिट, और यहाँ पर जंप होकर के हो गया 160 करोड़ का प्रॉफिट, क्योंकि ये 1000 करोड़ में है, मतलब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उतना करोड़ का है। तो लगातार देखते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी बेहतरीन है, तो ऐसे स्टॉक आपको जब भी गिरावट मिले तो ज़रूर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। इसके डिफरेंट डिफरेंट जो पैरामीटर्स है उसकी हम बात करते हैं, तो फोरकास्ट फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल पर चलते हैं। फाइनेंशियल देखिएगा काफ़ी ज़बरदस्त है, फाइनेंशियल ज़्यादा अच्छा होगा कि हम कहाँ पर देखें, तो हम फाइनेंशियल को देख लेते हैं जो skinner.in वेबसाइट है उस पर। आप मनी कंट्रोल पर भी देखते हैं, हम मनी कंट्रोल पर काफ़ी दिन तक यूज़ किए मनी कंट्रोल को, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं फाइनेंशियल पे, मतलब ये जो क्वार्टर रिजल्ट है प्रॉफिट लॉस है इस पर जाकर फाइनेंशियल देख सकते हैं। मार्केट कैप है कंपनी का 7551 करोड़ का, मतलब एक स्मॉल कैप से थोड़ी बड़ी कंपनी है। तो जैसे हम क्वार्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ सारा देखते हैं फाइनेंशियल आ गया, सेल्स आपका, तो हर क्वार्टर में देख लीजिए सेल्स क्या हुआ है, तो लगभग कॉन्स्टेंट है सेल्स, काफ़ी कुछ मतलब उतार चढ़ाव नहीं, खास ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर अर्ली बेसिस पे चलते हैं, अर्ली बेसिस पर देखते हैं कि क्या है हमारा सेल्स कंपनी का। तो सेल्स देख लीजिए यहाँ पर 2017 में था मात्र 778 करोड़ का, जो कि लगातार बढ़ते चला गया, और यहाँ पर देखिए मार्च 2020 मतलब फाइनेंशियल मार्च में हो चुका है 1000 करोड़ का सेल्स, और यहीं पर देख लीजिए जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का 78 करोड़ था यहाँ पर 2017 में, जो कि बढ़ करके हो गया 165 करोड़ का, तो काफ़ी ज़्यादा नेट प्रॉफिट जंप किया है कंपनी का। अर्निंग पर शेयर देखिएगा, अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा मतलब कम इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, जो है हमारा 2018 में बात करें, क्योंकि आईपीओ तो 2018 में आया था, 31 का पी था जो कि बढ़ करके हुआ 53, तो अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी मतलब इंक्रीज हुआ है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी। अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में यहाँ पर रिजर्व जो है कंपनी के पास लगातार इंक्रीज हो रहा है, 2017 में था मात्र 323 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 2020 में 604 करोड़ का, तो लगातार इंक्रीज हो रहा है।
जो बोरोविंग है कंपनी का 40 करोड़ था 17 में, जो करके बढ़ करके हो गया 125 करोड़। तो कंपनी का डेट भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है क्योंकि डेट काफ़ी कम है, 125 करोड़, कुछ खास डेट नहीं कंपनी के ऊपर, जो कि एक साल के प्रॉफिट में भी चुकाया जा सकता है। अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी देख सकते हैं, कंपनी हैज रिड्यूस इट्स डेट, कंपनी अपने डेट को लगातार रिड्यूस किया है, कंपनी जो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब काफ़ी कम डेट है कंपनी के ऊपर। सबसे जो अच्छी बात है, कंपनी जो है जो का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है काफ़ी बेहतरीन है, देखते 28.93% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रहा है, और डिविडेंड जो है 17% का है। वही जो कॉन्स है कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस है काफ़ी हाई है, तो जो अच्छे शेयर होंगे वो आपको जनरली हाई प्राइस पे ही मिलेंगे, और जो केमिकल सेक्टर है स्पेशली केमिकल सेक्टर के स्टॉक खास करके आपको महंगे प्राइस पे ही देखने मिलते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको गिरावट में मिलता है, जब भी अच्छे प्राइस पे आपको मिलता है, ज़रूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर आप कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, देखते हैं कैश लगातार इंक्रीज हुआ है, तो कैश फ्लो आपको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो अगर आप देखते हैं तो यस बैंक में जो शुरुआती गिरावट था वहाँ पर कैश फ्लो काफ़ी निगेटिव था, जिसके कारण कंपनी का शेयर प्राइस पर काफ़ी गिरावट, मतलब जो फ्रॉड के केसेस हैं वो आपको जल्दी पता चल जाते हैं। यहाँ तक नेट कैश फ्लो देखेगा तो पॉजिटिव में है कंपनी का, तो जो कि काफ़ी अच्छी साइन है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, प्रमोटर्स के पास 75% स्टेक था 2018 में और अभी तक कांस्टेंट बना हुआ है। एफआईज के पास 4% का स्टेक, जो कि अभी बढ़कर के हो चुका है सितंबर क्वार्टर में 5.75%। डीआईज के पास स्टेक भी लगातार बढ़ा है इस स्टॉक में, घटा है किसके पास, जो रिटेल इन्वेस्टर है। रिटेल इन्वेस्टर का देखते हैं ऐसे अच्छे स्टॉक में जो है शेयर होल्डिंग जो आपको दिखा रहा है पैटर्न, उसमें रिटेल इन्वेस्टर के पास शेयर काफी डिक्रीज हो चुका है, और जहां शुरुआत में 18 में 14% के आसपास था, अब यहाँ पर 4.40% के पास बचा है। तो दोस्तों काफी अच्छा स्टॉक है, और प्रमोटर्स देखते हैं मैक्सिमम जो लिमिट हो सकता है उतना परसेंट स्टेक है प्रमोटर्स का इस कंपनी में, तो ये कंपनी आपको लंबे समय में लॉन्ग टर्म में एक बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके देगा। दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल एनालिसिस, लेवल्स और टारगेट को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये स्टॉक जो है काफी तेज गिरावट इसमें देखने मिला था हमें, क्योंकि इसका जो न्यूज था इससे रिलेटेड, अगर इससे रिलेटेड आप न्यूज देखेंगे यहाँ पर, आप किसी भी वेबसाइट पर आप जाएंगे न्यूज सेक्शन में जाएंगे तो फाइन ऑर्गेनिक डिप्स 2% आफ्टर महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्ट टू हॉल्ट ऑपरेशन एट अंबरनाथ फैक्ट्री। तो अंबरनाथ जो फैक्ट्री था वहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग ने वो थोड़ा दिनों के लिए रोक दिया था प्रोडक्शन को, तो जैसे प्रोडक्शन रुका कंपनी का सेल्स रुका प्रॉफिट रुका, तो वहाँ पर कंपनी के शेयर में थोड़ा सा गिरावट तो देखने आपको मिलेगा ही, मतलब ये टेम्प्रोरी बेसिस होता है, कोई परमानेंट गिरावट नहीं होता है, क्योंकि टेम्प्रोरी रोका गया था प्रोडक्शन को थोड़ा सा पॉल्यूशन के कारण पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। तो इस स्टॉक में लगभग देखते हैं 200 रुपया लगभग 200 से अधिक का गिरावट था, तो ऐसे करेक्शन पे आपको जरूर बाइंग करनी चाहिए। और ये देखते हैं शेयर 200 का जो मूविंग एवरेज है इसको टच किया, और यहां से सपोर्ट लेने के बाद फिर से इसमें मोमेंटम कंटिन्यू हो चुका है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा आपको जो गिरावट होता है तो बाय ऑन डिप्स पे इन्वेस्ट करना होता है, मतलब आपका जो SIP होगा वो हमेशा जब भी मतलब गिरावट मिलता है तो वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। अभी आप इसमें थोड़ा सा अगर और करेक्शन होता है, चाहे इस प्राइस पे जिस प्राइस पे ये मिल रहा है इस प्राइस पे भी आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन है देखते हैं लगातार ये सपोर्ट जोन है, अगर यहाँ से गिरावट होता है तब तो फिर इसमें थोड़ा सा एक शार्प करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो एक बड़ा मोमेंटम आपको ऊपर देखने मिलेगा 3000 तक के प्राइस का, अगर 3000 से ऊपर निकलता है तो फिर एक जबरदस्त मोमेंटम देखने आपको मिलेगा। तो अभी ये बेस्ट प्राइस है, यहाँ पर आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नीचे आएगा तो फिर अगला SIP हम नीचे के प्राइस पर करेंगे, ऊपर जाएगा तो ऊपर के प्राइस पर करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, यहाँ पर आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो एक बुल रैली में है। सारे के सारे स्टॉक आप देख रहे होंगे काफी तेज रनिंग कर रहा है, सारे स्टॉक में काफी तेजी है। और ये स्टॉक अभी देखते हैं कि जो 50 डे का मूविंग एवरेज है, ये जो आप येलो लाइन देख सकते हैं, और ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारा 100 डे का मूविंग एवरेज है, और ये ब्लू लाइन 200 डे का मूविंग एवरेज है। तो ये 100 डे और 50 डे का मूविंग एवरेज के नीचे है और 200 डे का मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अभी जो यहां से स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, और अगर गिरावट होता है तो स्टॉक नीचे भी जा सकता है। तो अपना SIP मोड में बाइंग करना स्टार्ट कर दें, इन्वेस्टमेंट करना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।